भाई साहब, बिग बॉस के घर की जो लड़ाइयां हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक टशनबाजी चल रही है अविनाश और करणवीर के बीच में, तो वहीं दूसरी वाली भी नज़र आई है। शहजादा जो इतने दिनों से बिल्कुल चुप था, उसको अचानक से याद आ गया है कि भाई मैं बिग बॉस के घर के अंदर हूँ, मेरी तो फुटेज ही नहीं जा रही है, तो मुझे भी कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर शहजादा जो भड़का है, हालांकि ये किस बात पे भड़का है इसकी क्लैरिटी हमें लग रहा है एपिसोड पे ही पता लगेगा, लेकिन हाँ, शहजादा को गुस्सा बहुत तेज वाला आया है। चलिए बात करते हैं नॉमिनेशंस की। तो श्रुतिका को ये पावर दी गई है कि भैया आप नॉमिनेशन कंट्रोल करेंगी, आपके हाथ में पावर है। तो करणवीर जाते हैं और करणवीर का कहना है कि भैया मेरे जो नॉमिनेशंस हैं, आप सबको बड़ी क्लियरली पता है कि केवी का पहला टारगेट अविनाश है। तो उनका कहना है कि अविनाश है मेरा पहला नॉमिनेशन, वो इसलिए क्योंकि ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे विक्टिम है और वही कार्ड प्ले कर करके ये आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो, केवी और अविनाश इनकी जो फाइट है ये हमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है। यहाँ हम किसको सही बोले किसको गलत बोले यहाँ हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही गलत कर रहे हैं। केवी पापा पापा कर रहा है और अविनाश जो है वो चोमू गंजा और इस तरीके की कुछ बातें कर रहा है, तो गलत तो दोनों ही हैं। तो इस तरीके से ये वाला नॉमिनेशन हुआ। उसके बाद से जब नॉमिनेशंस हो जाते हैं, रजत कहते हैं भाई मेरे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि मैं लोगों को क्या अजीब सा फील करवाता हूँ, कुछ ऐसी वर्ड रजत ने यूज़ करी हैं। और उसके बाद ये वाली फाइट रजत और शहजादा के बीच में देखने के लिए मिली है कि तू अपने आप को बड़ा गुंडा समझता है, तू बड़ा गुंडा समझता है अपने आप को, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, एक फ़ोन आएगा और तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ये वाली बात मेरे को समझ नहीं आई, शहजादा क्या हो गया अचानक से तुझे? हाँ भाई चलो, अच्छा लगा शहजादा को देख के। अब देखते हैं ये कौन सी कॉल है और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, एपिसोड में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बाकी आप अविनाश और केवी के बारे में ज़रूर लिखिएगा, आपके हिसाब से दोनों की फाइट में कौन सही है।